नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनसीएल की वैकेंसी के बाद सारे भाई बंधु क्या हो गया, जाड़ा में भी अब गर्मी का एहसास लग रहा हो आप लोग को, है कि नहीं? तो अगला जो हम लोग चर्चा किए थे किस पे किए थे, ओपन कास्ट माइंड वर्किंग। ये आपका एनसीएल सिलेबस का पहला पॉइंट, पहला टॉपिक। उसमें मैंने क्या किया था, डीजे देशमुख का जो आपका वॉल्यूम वन का जो ओपन कास्ट माइंड का चैप्टर है उसका एक पार्ट बनाया था। आज उसका दूसरे पार्ट में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है? देखो क्या है ना, ओपन कास्ट जो वर्किंग है या ओपन कास्ट जो माइंड्स है, जो आप कहिएगा रेगुलेशन में क्या है, रूल में क्या है, एक्ट में क्या है, या डीजे देशमुख में क्या है। भैया डीजे देशमुख की बात करोगे ना, एक ही चैप्टर है ओपन कास्ट माइंड। रेगुलेशन में बात करोगे, ज्यादा ज्यादा होल्डर डिजाइन है, कुछ आपका रिस्ट्रिक्टेड कुछ टर्म्स है। आप जब इसमें जाओगे एलसी कापू का ओवरमैन हैंडबुक में जाओगे तो उसमें भी कुछ एक दो टर्म है, और क्या है, मशीनरी, एक दो मशीनरी है। तो मिला जुला के ना दिमाग में ये मत रखना एनसीएल में कि भैया सिर्फ ओपन कास्ट से क्वेश्चन दागेगा, बात समझ लो। रेगुलेशन में अगर ओपन कास्ट क्वेश्चन होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, बहुत ऐसा टर्म है जो ओपन कास्ट रिलेटेड है, वो ओपन कास्ट के लिए है। और मेरा तो मानना है कि अगर ओपन कास्ट ही अगर पढ़ना है ना तो बस तीन चीज हटा देना रेगुलेशन से, और वो तीन चीज क्या है ये भी सुन दो, हॉलेज, वाइंडिंग और वेंटिलेशन। बस समझिए कि हॉलेज, वाइंडिंग और वेंटिलेशन, ये तीन चैप्टर हटा देना, बाकी सब आपको पढ़ना है, दिमाग में सेट कर लो। आपको गैस भी पढ़ना है, मैं बता देता हूं, रिस्ट्रिक्टेड में ये नहीं लिखा रहता है कि गैस, आप माइनिंग इंजीनियर है, बात समझ लो मेरी बात, मैं पहले समझा देता हूं। आप माइनिंग इंजीनियर है, आपको गैस से क्वेश्चन दागेगा दागेगा, क्योंकि कोई ऐसा माइंस नहीं है जहां गैस नहीं है, पानी नहीं है, फायर नहीं, बात समझ लो। तो अगर ओपन कास्ट, अगर दिमाग में ये लेकर तैयारी करना है कि भैया एनसीएल सिर्फ ओपन कास्ट को दागेगा, तो रेगुलेशन में आप सिर्फ तीन चीज को, या अपनी तैयारी में सिर्फ तीन चीज को ही हटा सकते हो, वो है वाइंडिंग, हॉलेज और वेंटिलेशन। बात समझ गए? इसलिए मन में पुआ मत पकाना कि बोलिए छोटा सिलेबस है, इस बार तो गोली मारिए देंगे, बात समझे कि नहीं? ज्यादा कॉन्फिडेंस एक्सीडेंट का पहला और आखिरी गुण है, ओवर कॉन्फिडेंस, बात समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाई वॉल का स्लोप वर्टिकल से कितना होता है? क्या है हाई वॉल का स्लोप वर्टिकल से कितना होगा? 20। कितना होगा? 20। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैकेनाइज्ड क्वायरी में बेंच के फ्लोर की विथ क्या होगी? क्या है? मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच की फ्लोर की विथ क्या होगी? यानी यहां से अगर बेंच शुरू है, ये जो फ्लोर मेरा बना हुआ है या जिस पे डंपर चल रहा है या जिस पे ब्लास्टिंग का पैच बनाया हम, तो वो जो फ्लोर है उसकी विथ, उसकी चौड़ाई क्या होगी? क्या होगी? मिनिमम 15 मीटर। कितना? 15 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है कि किस सॉवेल के लिए ओपन कास्ट माइंस में बेंच की हाइट क्या होगी? बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ी सटीक सा क्वेश्चन है ओपन कास्ट माइंस का। क्या है क्वेश्चन? कि किस सॉवेल के लिए ओपन कास्ट माइंस में बेंच की हाइट क्या होगी? पहला सॉवेल अगर हम लेते हैं 2 क्यूबिक मीटर, सॉबेल की कैपेसिटी किससे नापते हैं भैया? एक चीज और समझ लो, सॉबेल की कैपेसिटी किससे नापते हैं? तो भैया उसकी बकेट कैपेसिटी से, ठीक है। तो अगर सॉबल मेरा 2 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी का है तो बेंच की हाइट क्या होगी? बेंच की हाइट होगी भैया 6 to 8 मीटर। सॉबेल 2 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी का अगर है तो बेंच की हाइट क्या होगी? 6 to 8 मीटर। लेकिन अगर 3.5 क्यूबिक मीटर का अगर है तो सबेल 3.5 क्यूबिक मीटर का अगर है तो बेंच की हाइट क्या होगी? 12 मीटर। 2 क्यूबिक मीटर पे 6 से 8 मीटर और 3.5 क्यूबिक मीटर पे कितना जाएगा बेंच का हाइट? 12 मीटर। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ओपन कास्ट माइंस में टायर वाले व्हीकल से ढुलाई के लिए
होल रोड का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि ओपन कास्ट माइंस में टायर वाले व्हीकल से ढुलाई के लिए होल रोड का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नॉट मोर देन 1 in 10। ओपन कास्ट में टायर वाले व्हीकल की ढुलाई के लिए होल रोड का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? 1 in 10। ठीक है, चलो आगे क्या बोलता है कि मैनुअल ओपन कास्ट में खुदाई के लिए रॉक के छोटे छोटे स्तंभ छोड़े जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? क्या क्वेश्चन? मैनुअल ओपन कास्ट माइंस से क्वेश्चन है कि खुदाई के लिए छोटे छोटे स्तंभ छोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो भैया वो कहलाएंगे साखी। क्या कहलाएंगे? साखी। और साखी किस लिए करते हैं हम लोग, क्यों छोड़ते हैं? तो मेरा माइंस कितना चला, साखी नाप के लिए स्तंभ कि भाई इतना मीटर का स्तंभ हो गया, माइंस इतना नीचे चला गया। बात बोल रहे हो? तो साखी का एक ही काम है कि मेरा माइंस मैनुअल कितना प्रोग्रेस कर रहा है उसके नापी के लिए। अब अगला क्वेश्चन ये करता है कि अगर मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में माइंस डेवलप कर गया और साखी की नपाई हो गई, मेजरमेंट हो गया साखी का, तो उसके कितने दिन के बाद क्या किया जाता है? साखी को हटा दिया जाता है। क्या है क्वेश्चन? कि मैनुअल ओपन कास्ट में खुदाई के लिए क्षेत्र में छोड़े गए साखी को कितने दिन के बाद हटा दिया जाता है? कितने दिन के बाद? 1 week। कितने दिन के बाद? 1 week, एक हफ्ते के बाद। दूसरा बात क्या है कि भाई साखी की हाइट क्या होगी? अगला क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम ओपन कास्ट वर्किंग में भाई साइज ऑफ साखी, हाइट, साखी की हाइट क्या है? क्या है साखी की हाइट? नॉट मोर देन 2.5 meter। साखी की हाइट नॉट मोर देन 2.5 meter। अभी क्वेश्चन साखी से यह निकल के आता है कि अगर साखी की हाइट 1.25 से अधिक है तो वहां जो उसका तल्ली पेजा का डायमीटर क्या होगा? क्या क्वेश्चन? अगर साखी की हाइट 1.25 meter से अधिक है तो उसके पेजे का यानी बेस का डायमीटर क्या होगा? क्या होगा? नॉट लेस देन 1.5 meter। क्या होगा? नॉट लेस देन 1.5 meter। बस समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में मजदूरों को एक टीम में कितने मेंबर होते हैं? क्या क्वेश्चन? कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग माइंस में मजदूरों को एक टीम में कितने मेंबर होते हैं? कितने होंगे? 3 or 4, 3 या 4। 3-4 आदमी का एक टीम बना के काम किया जाता है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, ये एक्ट में भी है, रूल में भी है, सब में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें भी दिया हुआ है भाई एक लाइन, मैं क्या इसको भी आपको दे दूं कि माइंस एक्ट के अनुसार माइंस में फीमेल मेंबर कितने से कितने समय तक काम करेगा? कितने से कितने? 5 PM to 7 PM, ये डीजे देशमुख में लिखा हुआ है। कितना? 5 PM to 7 PM। ठीक, चलो अगले आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में एक टीम को कितना एरिया दिया जाता है? क्या है? मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में एक टीम को कितना एरिया दिया जाता है? कितना दिया जाएगा भैया? 4.5 meter into 4.5 meter। कितना? 4.5 meter into 4.5 meter। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के दागता है और अक्सर दागता है। क्या है क्वेश्चन? कि मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में ड्रिलिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या किस मशीन से ड्रिल किया जाता है? किसमें? मैनुअल ओपन कास्ट बात माइंस की बात हो रही है। ठीक है, तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में ड्रिलिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है? जैक हैमर। लेकिन इसमें घुमाने वाला टर्म, अगर जैक हैमर ऑप्शन नहीं दिया और कहीं पर ऑप्शन दे दिया कि कंप्रेस्ड एयर हैमर ड्रिल, भैया ये दोनों चीज एक ही है, बात समझ गए ना? कंप्रेस्ड एयर हैमर ड्रिल या जैक हैमर, किसके लिए? मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में ड्रिलिंग के। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन में कि मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में ड्रिलिंग रॉड कैसा होता है? क्या है? कि मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में
ड्रिलिंग रॉड कैसा होता है? कैसा होता है भैया? पहला तो उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? हेक्सागोनल होगा। और क्या होगा? निचला जो पोर्शन होगा ना वो छेनी के आकार का होगा। तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में ड्रिलिंग रॉड कैसा होगा? हेक्सागोनल विथ इन चेल्सी या चेल्सी इन, हेक्सागोनल स्टील विथ चेल्सी इन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में कोल में होल की डेप्थ क्या होगी? मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में कोल में हम लोग जो ब्लास्टिंग के लिए होल करेंगे उसका डेप्थ क्या होगा? क्या होगा? 1.2 मीटर से लेके 2 मीटर तक। मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में कोल में जो ब्लास्टिंग के लिए होल करेंगे उसका डेप्थ क्या होगा? 1.2 मीटर से लेके 2 मीटर तक। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। क्या बोलता है कि ओपन कास्ट माइंस में कोल में होल के बीच का इंटरवल क्या होता है? या घुमा के ये डाल दे कि जरा बताओ भाई कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में आपका स्पेसिंग ऑफ होल इन कोल क्या है? स्पेसिंग ऑफ होल इन कोल क्या है? दोनों चीजें की कि मैनुअल ओपन कास्ट माइनिंग में कोल में दो होलों के बीच का इंटरवल कितना होगा, या मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में स्पेसिंग ऑफ होल इन कोल क्या क्या होगा भैया? 1.5 मीटर से लेके 2.2 मीटर तक। कितना? 1.5 मीटर से लेके 2.2 मीटर तक। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है कि मिनिमल ओपन कास्ट माइंस में कोल में पर केजी ऑफ हाई एक्सप्लोसिव लाइक स्पेशल जेलेटिन 60-80% से जनरली कितना कोल टूटता है? अच्छा क्वेश्चन है, फिर से सुनो। क्या बोलता है कि मिनिमल ओपन कास्ट माइंस में कोल में पर केजी ऑफ हाई एक्सप्लोसिव क्या है? पर केजी ऑफ हाई एक्सप्लोसिव लाइक स्पेशल जेलेटिन 60-80% से जनरली कितना कोयला टूटता है? कितना टूटेगा? 10-12 टन, 10-12 टन। कितना? 10-12 टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में एवरेज लोडिंग परफॉर्मेंस पर लोडर क्या है, या क्या होता है? क्या है? मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में एवरेज लोडिंग परफॉर्मेंस पर लोडर क्या होता है? क्या होगा? नियर बाय फोर टब पर कैसे? तो 1.1 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी से। कितना? 1.1 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी वाला जो बकेट होगा उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है कि मैकिन कास्ट ओपन कास्ट माइंस में HEMM का यूज कब से किया जा रहा है? क्या है? मैकेनाइट ओपन कास्ट माइंस में HEMM का यूज कहां किया जा रहा है? कहां किया जा रहा है? ये सॉरी, कब से किया जा रहा है? क्या है? HEMM का यूज कब से किया जा रहा है? कब से किया जा रहा है? लास्ट 50 इयर्स से। कितना से? लास्ट 50 इयर्स। मैकेनाइट ओपन कास्ट माइंस में HEMM का यूज कब से किया जा रहा है? लास्ट 5 इयर्स, 50 इयर्स, सॉरी लास्ट 50 इयर्स। अगला क्वेश्चन ड्रग लाइन से क्या है? जहां जलोढ़ सैंड सॉफ्ट रॉक का ऊपरी मलवा हो वहां किस HEMM का यूज किया जाता है? क्या है? जहां जलोढ़ सैंड और सॉफ्ट रॉक का ऊपरी मलवा हो वहां किस HEMM का यूज किया जाता है? किसका करेंगे? ड्रग लाइन का। किसका करेंगे? ड्रग लाइन का। ठीक है, आगे क्या है? स्मॉलर डीपर सॉवेल का साइज क्या होता है? क्या है क्वेश्चन? स्मॉलर डीपर सॉवेल का साइज क्या होता है? क्या होगा? अप टू 3.5 क्यूबिक मीटर बकेट साइज। क्या है? स्मॉलर डीपर सॉवेल का साइज क्या होता है? अप टू 3.5 क्यूबिक मीटर बकेट कैपेसिटी। और किससे चलेगा भाई? डीजल ड्राइविंग। किससे चलेगा? डीजल ड्राइव, डीजल से चलेगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्मॉल मशीन के लिए वोल्टेज कैसा होता है? क्या है स्मॉल मशीन के लिए वोल्टेज कैसा होता है या कितना होता है या कितना चाहिए? तो कितना है? मीडियम 400 वोल्ट से 500 वोल्ट, 400 वोल्ट और 500। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बड़ी मशीन के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? क्या है अगला क्वेश्चन? बड़ी मशीन के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? कितना चाहिए? हाई टेंशन 3300 to 6600 वोल्ट। बड़ी मशीन के लिए कितना वोल्टेज चाहिए हमको? हाई टेंशन 3300 to 6600 वोल्टेज। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि बकेट बिल एक्सावेटर के लिए कितना पावर सप्लाई होता है? किसके लिए? बकेट बिल एक्सावेटर के लिए कितना पावर सप्लाई होता है? कितना होता है? 11 kV। कितना होता है? 11 kV। और अगर इसी में यह क्वेश्चन जाग दे कि 11 kV पावर सप्लाई किस केबल से लिया जाता है बकेट बिल एक्सावेटर में, ये जो 11 kV पावर सप्लाई है वो किस केबल से लिया जाता है? किस केबल से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बकेट बिल में, TRS केबल। किससे? TRS केबल, याद रखना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहां से आपका जो डीडी देशमुख का ओपन कास्ट वर्किंग है वो एक चैप्टर टर्न होता है। अब जो है भैया इसमें घुसाया हुआ है ओपन कास्ट का मुख्य मुख्य मशीनरी, उसको हल्का हल्का टच किया है। ठीक है, तो उसमें पहला चीज दिया हुआ है क्या है? डोजर। तो भैया डोजर पहला चीज है। डोजर किस पर चलता है? पहला क्वेश्चन, डोजर किस पे चलता है? किससे चलेगा? चैन पे चलेगा। डोजर किससे चलता है? इलेक्ट्रिक से चलता है या डीजल से या पेट्रोल से? तो भैया डोजर किससे चलता है? डीजल से चलता है। डोजर सेक्शन से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर दागता है, दागने दगाने वाला क्वेश्चन डोजर सेक्शन में एक ही है। वो क्या है कि डोजर में फ्रॉक लाइक जुड़ा औजार क्या कहलाता है? डोजर में फ्रॉक लाइक जुड़ा औजार क्या कहलाएगा? रीपर कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? रीपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि डोजर जमीन के नीचे या वेदर ड्रॉप को कितने नीचे तक खोद सकता है? डोजर जमीन के नीचे और वेदर ड्रॉप को कितने नीचे तक खोद सकता है? कितने नीचे तक? 1.2 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक। ठीक है, तो आज का ये वीडियो मैं यही तक रुकता हूं। संडे है, कुछ मेरा भी काम है, देखते हैं। आप लोग से चलते चलते एक बात बता देता हूं कि ये जो एनसीएल का सिलेबस है उसमें ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। उसका दूसरा नंबर जो टॉपिक है ना वो क्या दिया हुआ है? बड़ा आराम से दिया हुआ है। क्या दिया है उस पर? शॉर्ट फायरिंग। ये जो शॉर्ट फायरिंग वर्ड है ना भैया, माइनिंग की दुनिया में दुमोवा सांप है। बात समझ लो, माइनिंग की दुनिया में क्या है? दुमोवा सांप है। शॉर्ट फायरिंग मतलब जो शॉर्ट फायर रहेगा वो खदान के अंदर भी ब्लास्टिंग कराएगा और खदान के ऊपर भी ब्लास्टिंग कराएगा। यानी इस शॉर्ट फायरिंग वर्ड का मतलब क्या हो गया कि सॉलिड ब्लास्टिंग प्लस ओपन कास्ट ब्लास्टिंग। तो इस तरह के जो छोटे छोटे टर्म है ना मैं बताते चलूंगा, कंफ्यूज मत होना और ओवर कॉन्फिडेंस मत होना कि एनसीएल का सिलेबस बहुत छोटा है, इस बार छक्का मार देंगे। ठीक है, चलते चलते पूजा गुजारिश करूंगा कि भाई मेरे इसी तरह साथ जुड़िए, दोस्तों में मेरे वीडियो को बांटिए, बातचीत कीजिए, अपनी तैयारी पे पूरा फोकस कीजिए। हिम्मत समझिएगा, छोटा सिलेबस है, इस बार T20 मार देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाइए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।